Gynecologist at Cloud 9 Hospital, Patparganj, East Delhi. I want to tell you something about pap smear test. I think awareness की बहुत कमी है, इसलिए ये बात सबको जानना बहुत ज़रूरी है. ये बहुत ही awareness के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक cervical cancer is very very common in India and it is highest in India. हर 8 मिनट में एक औरत इस कैंसर से इंडिया में मर जाती है. तो इसको, लेकिन ये सबसे खुशी की बात ये है कि ये 100% प्रिवेंटेबल है. इसके लिए आपको जागरूक होना चाहिए. इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. एक तो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, जो कि आपको 11 साल से 45 साल के बीच में इंडिया में लग सकता है. तो जितनी जल्दी हो सके शादी से पहले अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपके बहुत बचाव हो जाता है. और दूसरी चीज़ ये है कि पैप स्मियर टेस्ट या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी भी कहते हैं इसके प्रोसीजर को. तो ये साइटोलॉजी और एचपीवी वायरस का डिटेक्शन इन पैप स्मियर, ये अगर हम हर 3 से 4 साल में डॉक्टर के पास जाके चेक कराते रहते हैं तो हम शर्तिया कैंसर से बच सकते हैं. और ये हर लेडी को, हर औरत को पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन उसका हक है. एंड उसको हर 3 से 4 साल में अपने को गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके जरूर चेक कराना चाहिए. और अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, जैसे ही वो 11-12 साल की होती हैं उनको वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए. अब लड़कों के लिए भी आ गया है वैक्सीन, तो अब आप लड़कों को भी करा सकते हैं. क्योंकि ये जो एचपीवी वायरस होता है ये औरतों में सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है और लड़कों में पेनाइल एनल कैंसर भी कॉज करता है. तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर अबाउट द सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन एंड पैप स्मियर.